ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले की 1352 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद समाप्त हो गया। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी एडीओ स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार की रात से ग्राम प्रधान ग्राम निधि के खातों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की धनराशि के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है तथा सभी डोंगल को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी बांटी गई है। एक एक एडीओ पंचायत के पास करीब 81 से 82 गांवों की जिम्मेदारी होगी। गांव में चलने वाले सभी विकास कार्य जारी रहेंगे, लेकिन विकास का कोई नया प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि जिले में 1352 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 46 नगर निकायों में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए इनमें इस बार चुनाव नहीं होगा। पर दो नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ रही हैं, जिससे माना जा रहा है कि 1308 पंचायतों में ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाएगा। लेकिन गोला बाजार नगर पंचायत के विस्तार का नोटिफिकेशन जारी होने, बढ़लगंज नगर पंचायत के विस्तार, उरुआ बाजार एवं घघसरा बाजार नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह माना जा रहा है कि कुछ ग्राम पंचायतें और कम हो सकती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, कल जैसा कि विदित है सबको कि 25 दिसंबर अर्धरात्रि तक 12 बजे रात तक प्रधानों का कार्यकाल था। उसके मद्देनज़र कल 12 बजे रात को हम लोगों ने प्रधानों के जो पंचम और पंद्रहवा राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त जो है उसके जो डोंगल थे उसको हम लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया। अब प्रधान एज ए चेकर जो है अपना डोंगल नहीं लगा सकते हैं और उसकी जगह पर जो है सहायक विकास अधिकारी पंचायत जो है वो एज ए चेकर आगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए कार्य करते रहेंगे। सर, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय के लिए किस तरह के पैसे आते क्या उसमें भी रोक लगाया गया? हाँ, किसी भी तरह का चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या मनरेगा हो या पंचम राज्य वित्त हो या पंद्रहवा केंद्रीय वित्त हो, किसी भी तरह के भुगतान का अधिकार अब प्रधानों को नहीं है। हमने बैंक को भी ये लेटर भेज दिया है कि जो चूँकि अभी भी स्वच्छ भारत मिशन का भुगतान जो है वो चेक के थ्रू होता है, तो हमने बैंक को भी कह दिया कि 25 तारीख के बाद का कोई भी चेक वो एक्सेप्ट ना करें और उससे कोई भी भुगतान ना करें। तो सहायक विकास अधिकारी को दिया गया दायित्व सौंपा गया है, तो क्या ये पुराने काम कराएंगे कि नए काम कराने के लिए उत्तरदायी? ऐसे किसी तरह की रोक नहीं है कि वो नए कार्य नहीं करा सकते, ऐसा कोई रोक नहीं है। परंतु पहले हम ये चाहेंगे जो भी पुराने कार्य आरंभ किए गए हैं और किसी वजह से कम्प्लीट नहीं हुए पहले वो उनको कराएं, उसके बाद जो शासन की मंशा होगी उसके अनुरूप जो भी नए कार्य कराने के लिए होंगे ये डिपेंड करते हुए उनके पास कितनी धनराशि अब से ग्राम पंचायत में नए कार्यों को भी लिया जा सकता है। और कुछ जो ग्राम पंचायत साल में सारी सभाएं हैं क्या उसमें चुनाव होना है या कुछ उसके क्या है? अभी तक जो जहाँ तक हमने आपको पता होगा कि 46 ग्राम पंचायतें हमारे ऑलरेडी इसमें चली गई हैं नगर निगम या नगर पंचायत में। इसके अलावा भी जो 22 और 18 एक्चुअली में आई है, जब अधिसूचना आई है तो 18 जो हमारे राज गांव हैं गोला के वो भी हमारे नगर पंचायत में शामिल हो गए हैं। और इसके अलावा एक जो है संझाई जो कि नूरुद्दीन चक से कट करके बना था ग्राम पंचायत वो भी नगर निगम में सम्मिलित हो गया है अभी नए कैबिनेट के अध्यादेश के। तो ये सारी ग्राम पंचायतों में अब चुनाव नहीं होगा, इसके लिए फिर से परिसीमन किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ तक कि आपको भी ज्ञात है कि उरुआ बाजार और जो घगसरा बाजार है और बढ़लगंज जो नगर पंचायत है इसका विस्तार और इन दोनों जो बाकी जो मैंने बताया उरुआ और घगसरा नगर पंचायत का निर्माण के लिए आपत्ति मंगाई गई है, तो जब ये सभी भी जब बन जाएंगे और अगर जब कैबिनेट की अगर मंजूरी मिल जाएगी तो फिर इनके भी परिसीमन के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे ग्राम पंचायतें जो भी नगर पंचायत में शामिल हो रही हैं या हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में उन सबों को हटा करके परिसीमन कराया जा रहा है। इसी के लिए परिसीमन का डेट भी आगे बढ़ाया गया है।